किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों अब मैं ठीक हूँ, आप सब भी ठीक होंगे। किसान भाइयों जून का महीना होता है फसल कमाने का, आप भी कमाएं, हम भी कमाएं, ये मौका नहीं जाना चाहिए खेती कमाने का। किसान भाइयों मुझे डॉक्टर ने गर्मी में बाहर जाने की मना की है, इसलिए मैं कम जाता हूँ। आपके लिए पुनीत और बबलू वीडियो बना रहे हैं, ज़रूर आपको अच्छी लग रही होंगी। इन दोनों भाइयों भाइयों को सपोर्ट करें। कुछ भाई कह रहे हैं मज़ा नहीं आ रहा, भाइयों उन्हें देखें फिर मैं ठीक हो जाऊँगा, मैं आपके लिए अच्छी वीडियो बनाऊँगा। आज पुनीत जा रहा है नीलोहा गांव में, आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो बना कर लाएगा। वहाँ पर एक किसान भाई है, उनके पास एक एंटी ट्रैक्टर का पता लगा है। सभी भाई वीडियो को सपोर्ट करें, प्यार से देखें, सहयोग दें। गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, अपना भी ख्याल रखें, गर्मी से बचें। मुझे काफ़ी आराम हो गया है और 8-7 दिन में मैं घूमने लगूंगा। नमस्कार सभी दोस्तों को। किसान भाइयों आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही एंटिक वीडियो आपके सामने ला रहे हैं। जो आप वीडियो में ट्रैक्टर देख रहे हैं ये 1969 मॉडल ट्रैक्टर है, जीटर डीजल 2011 मेड इन यूगोस्लाविया। मेड इन यूगोस्लाविया दोस्तों देख सकते हैं, जो इसकी ये ओरिजिनल चिट है ये भी इसके साथ में ही है। ये देखो ये हैंड ब्रेक, इसका ओरिजिनल हैंड ब्रेक आज भी इसके साथ में है। ऊपर को खींच के रहता है, अच्छा जी ऊपर को खींच के जब छोड़ा जाएगा जी जाम हो रहे हैं इसमें से वो लिखे थी जी वो टाइप वो यहाँ फंस जाते जब नीचे करें तो अपना कुछ जी 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 थोड़ा अलग ही था। इसमें तो कंप्रेसर भी था, हाँ भरने का कंप्रेसर भी था। और दोस्तों काफी चीजें इसके साथ में ओरिजिनल हैं आज भी। ये जो इसके मडगार्ड हैं, ये जो इनको ऊपर इंडिकेटर लगे हुए हैं, ये इनके कवर और इसके जो है डबल ट्रिपल कट के जो ये इसके रिम है और जो इसका पिछला हिस्सा है ये देख सकते हैं। हिच भी इसका घूमने वाला एंटिक हिच है और जो इसका सीटिंग अरेंजमेंट है ये भी हाइड्रोलिक काफ़ी अच्छी। और दोस्तों अभी कुछ समय पहले तक ट्रैक्टर बिल्कुल चालू हालत में, आज भी चालू है लेकिन अब काफ़ी समय से ये चल नहीं रहा है, खड़ा कर दिया है इसे। और बहुत ही बेहतरीन ट्रैक्टर ये रहा, और जब से ये ट्रैक्टर इस घर में आया था ये देख सकते हैं सोल्ड एंड सर्विस्ड बाय हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड चंडीगढ़। ये जब बाहर से ट्रैक्टर इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहे थे तो फिर ये जो नाम लिख रहा है इन्हें दिए गए थे, इनके द्वारा फिर ये किसानों को डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। ये मैन्युफैक्चरिंग जो है बाहर की है, चेकोस्लोवाकिया की है और किसानों को डिस्ट्रीब्यूट किए थे। जो ये इस पे चिट लग रही है सोल्ड एंड सर्विस्ड बाय, ये नया ट्रैक्टर आया था पतले में एक फौजी का जी, इसे 80 में खेल हम दिए गए थे और 80 में हमारे ही है दोस्तों। 1980 में ये इनके बाबूजी के पास में आ गया था, उस टाइम 22,000 का। तो नमस्कार जी बाबूजी, एक बार थोड़ा सा आपका परिचय हो जा। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह जी, का नाम यशपाल सिंह जी, ग्राम निलोवा तहसील मवाना जिला मेरठ। जिला मेरठ, और आप जो हैं हमारे सामने जो हैं हमारे ताऊ जी कबड्डी के बहुत ही मशहूर खिलाड़ी अपने जमाने के रहे हैं, बहुत नेशनल स्तर पर बहुत ही अच्छे खेल ले, और जो इन्हें पहचान रहे होंगे वो इनके बारे में बहुत ही अच्छी और दमदार कमेंट करें, क्योंकि आज भी ये अपने गाँव में युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं, जो कि बहुत जल्दी किसान की सोच चैनल पर इनकी वीडियो आएगी, उसे भी आप देखेंगे किस तरह से युवाओं को ट्रेनिंग देते हैं अपने ही गांव में अपने स्कूल में। लगातार जो इनकी ट्रेनिंग है वो सेवा इनकी चल रही है। तो बाबूजी इस ट्रैक्टर के बारे में बताओ, जैसे 1980 में लाए इसे, चलाया आपने? हाँ मैंने चलाया, मैं इधर का ड्राइवर। अच्छा जी, और नहीं चला के रहता कोई घर में? आज तक कहीं किसी कहीं भी टच नहीं होने दिया मन नहीं हो। अच्छा जी, और कहीं इसने हमें धोखा नहीं दिया, बढ़िया चला बढ़िया चला। हाँ। अच्छा आपने भी मतलब इसकी टाइम से सर्विस वगैरह करवाई पूरा? तो इसने इसके ऊपर जी आपने कौन कौन से एम्प्लीमेंट चलाए? इस पे तो हमने हैरो भी चलाई, टीलर भी चलाया, एक की बुआई वाला भी इस पे चलाया, सारे चलाए थे। सारे चलाए मतलब जितने एम्प्लीमेंट थे इस पे? तो इस पे पीछे ट्रॉली चलती थी चौपहिया? इस पे तो हम तो बस बुग्गी चलावे थे। अच्छा बुग्गी चलाई। अच्छा जो गन्ने वन्ने भी डाल दे उससे डाल दिए सेंटर?
ट्रैक्टर पे से नहीं डालने थे हम। अच्छा जी, गन्नों खत्म नहीं, झूठा रखे हैं। अच्छा, झूठा आज भी चल रहा। हाँ, हम झूठे से गन्ने गिरने ज्यादा पसंद करें। हाँ, मतलब ताजे ताजे छूले डाल दिए, चाहे बासी भी हो चाहे बासी भी हो, झूठे से गन्ने गिरने मजा। ट्रैक्टर फंसे रहे बाहर लावे थे। हाँ, अब सभी अब के भी खेतों में से काट दिए हमारे तो झूठे ने। बिल्कुल सही सही, कुछ कम भर ले। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, बहुत ही मजबूत किसान है। पीछे देख सकते हैं एक से एक पशु जो है बंधा हुआ है। देख सकते हैं दोनों अपनी अपनी कैटेगरी की, भूरी पखाली भैंस है और ये काले वाली जो भैंस है इधर बंध रही है और उधर वे देसी गाय बंध रही है। उधर उनका भैंसा बंध रहा है, लवारे नए नए तैयार हो रहे हैं, लेकिन ट्रैक्टर के शौकीन इतने हैं कि ये ट्रैक्टर आज भी इनका बिकाऊ नहीं है, अभी खड़ा है। काफ़ी टाइम से सर्विस होगी तब ये चलेगा आगे। तो बाबू जी, ये जो इसकी लाइटें लग रही हैं ये भी ओरिजिनल है? लाइट सब ओरिजिनल है, सब सामान इसमें कुछ नहीं बदला है। जब भी वो मिस्त्री के जाए ना जी, मिस्त्री नु कहे तो इसे चलाते नहीं। आज अच्छा, भी वो का सामान जो का तू है इसका सब पहला। अच्छा, काफी सामान इसके ओरिजिनल ही है, सारे ओरिजिनल है दोस्तों। बहुत कम सामान दोस्तों, देख सकते हैं ये जो इसकी लाइटें हैं, का पंप है इसमें। अच्छा, पंप आवे थे ना बाद में जी, तो उनकी आवाज फसर फसर कर रही थी जी। मोटर पावर का पंप है, आज भी इसकी आवाज आज भी वही बेहतरीन। अच्छा, वो कड़क 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 कड़क। हाँ, वही बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, बहुत ही गजब आवाज है। और बहुत जल्दी आपको इस ट्रैक्टर को चलता हुआ भी दिखाएंगे, सर्विस होगी ट्रैक्टर की, धो धा के बिल्कुल फिट करवा के। और ये देख सकते हैं उस टाइम के शीशे भी ओरिजिनल, आज तक इंडिकेटर में दोनों साइड में, उस साइड में भी है, दोनों शीशे आज तक लगे हुए हैं ये ही। और आज तक जो आगे का मुंह भी है, जो मत्था है ट्रैक्टर का, कहीं से कोई ठोका नहीं गया है, बहुत संभाल के चलाने की ये पहचान है। जाली भी ओरिजिनल आज तक लगी हुई है ट्रैक्टर में। और जो इसके हप हैं और जो फ्रंट एक्सिल है ये भी देख सकते हैं, आज के टाइम को देखें जैसे ट्रैक्टरों में काफी भारी कई कई क्विंटल के आ रहे हैं, उस हिसाब से हल्का है, लेकिन देखो कितना मजबूत है, कहीं कोई बाल नहीं आ रहा। और रिम वगैरह हप बहुत अच्छे, बहुत ही बेहतरीन। इसका नंबर मुझे अब भी आ रहा है, ओरिजिनल में लिख रहा है HRG 1591 नंबर है इसका। HRG पंद्रह इक्यानवे दोस्तों, ये चीजें तो जब इन्होंने अपने छोटे टाइम से चलाया है ट्रैक्टर, तो ये चीजें तो बहुत ही चाव की होती हैं कि अपने नंबर भी याद हैं। 3 साल तक 24 घंटे मशीन का कुट्टी काटता था। अच्छा जी, 3 साल तक परमानेंट वहीं खड़ा रहा। हाँ, फिर बिजली नहीं आती, बिजली घर लग गया जी। जब कहीं मोटर लग रहा था पहले हमारे जी, जब फलाव दिशा से आती तो कम आवती वोल्टेज जी जी जी, तो वहीं रहता, बरसात में भी, रात में भी, दिन में। तो जो इसका पेंट वेंट भी खराब हुआ वहीं हुआ, खराब यार पेंट। अगर ये यहाँ पहले से आ जाता बरामदे में तो कुछ दिक्कत नहीं, तो इस बरामदे में अगर ये पहले आ गया होता, 3 साल ये बिल्कुल बाहर रहा, वही से नुकसान हुआ। नहीं तो बाबूजी ने इसे देखो, सीट वीट इसकी ओरिजिनल, लाइटों के इससे बिल्कुल ओरिजिनल, ऐसे कैसी रखे, कहीं टच नहीं करा ट्रैक्टर को, बहुत ही प्यार मोहब्बत से चलाया। मीटर भी इसके ओरिजिनल इसके साथ में है, ये देख सकते हैं सारी चिटविट सारी चीज फिट है, बिल्कुल ओरिजिनल मीटर है, बहुत बढ़िया जी। अलग लगवाया था। अच्छा, ये बदला, ये बदला V3 का, इसमें आज भी कहीं नहीं सबका। बिल्कुल दोस्तों, देख सकते हैं नीचे आज भी ट्रैक्टर में कहीं कोई तेल नहीं टपक रहा है, और बहुत ही बेहतरीन ट्रैक्टर ये हमें काफी अच्छे किसानों को के पास में देखने को मिला। तो दोस्तों, वीडियो जीटर डीजल 2011 की आपको अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, धन्यवाद, जुड़े रहिए।